नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। कन्नौज पंचायत कर्मियों की 22 जुलाई से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के 8वें दिन गुरुवार को भी जारी रही। जनपद पंचायत प्रांगण में हड़ताल के चलते ग्राम पंचायतों में समस्त विकास कार्य बंद पड़े हैं एवं ग्रामीण विकासजनों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी प्रवीण अग्रवाल द्वारा बताया गया कि आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है। हमने अपनी मांगें प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया ताकि यह बात शासन तक पहुंचे। इससे यह प्रतीत होता है कि शासन हमें जितना वेतन दे रही है उस वेतन में हम शरीर पर एक तरफ के कपड़े ही पहन सकते हैं, इसीलिए हमने अर्धनग्न होकर हड़ताल जारी रखी और जब तक शासन हमारी मांगों के समर्थन में आदेश जारी नहीं करेगी तब तक यह आंदोलन सतत जारी रहेगा। इस मौके पर हड़ताल में 85 पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद के कर्मचारी गण उपस्थित थे। जैसे कि आज तो आपकी हड़ताल का 8वां दिन है, अभी तक आज आपने क्या प्रदर्शन किया? आज 8वें दिन पर हम लोगों ने शासन के समक्ष अपनी मांगे प्रस्तुत करने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है, जिससे हमारी शासन तक ये बात पहुँचे कि हम जितना वेतन शासन हमें दे रही है और जिस वेतन में हमसे जितना काम ले रही है उस वेतन में हम सिर्फ हमारे शरीर पर एक ही तरफ के वस्त्र सहन कर सकते हैं, एक ही तरफ के वस्त्र अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए आज हमने अर्धनग्न होकर यह प्रदर्शन किया है ताकि हमारा जीवन यापन किस तरह से हो रहा है शासन तक ये बात पहुँचे और शासन हमारी मांगों को तत्काल पूर्ण। आज 8 दिन में आपकी हड़ताल चल रही, शासन ने कोई विचार किया आपकी हड़ताल को लेकर? प्रदेश स्तर पर संगठन से जो हमारे पास चर्चा आ रही है उसमें कहीं ना कहीं पता चला है कि संगठन के पदाधिकारियों को शासन भावता है तो आमंत्रित कर रहा है, परंतु उसमें अभी तक जो देखने में आया है शासन कहीं ना कहीं कर्मचारियों को तोड़ने का काम ज़्यादा कर रहा है बजाय कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में विचार करने के। तो ऐसी स्थिति में अभी हम किसी भी प्रकार से जब तक हमें केवल आश्वासन ही मिलते रहेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से हमारे इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। जब तक हमें हमारी मांगों के समर्थन में आदेश प्राप्त नहीं होते तब तक किसी भी स्तर पर हम मांगों को पूरी करवाने के लिए हर स्तर तक जाएंगे। आज हमारा यह उग्र रूप में प्रथम चरण है। इस चरण के माध्यम से हम शासन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हमने आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है तो आगे हम इस आंदोलन को और ज्यादा उग्र रूप देंगे जब तक हमारी शासन हमारी मांगे पूरी नहीं करे। खबर समय जगत के लिए कन्नौज से महबूब खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।